वेलकम टू आवर चैनल झारखंड अब तक न्यूज। झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। दिन भर की तमाम खबरें आप देख रहे हैं झारखंड अब तक न्यूज लाइव पर। आपको बता दें कि झारखंड से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आपके पास भी हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो छोटी होनी चाहिए, जरूर देखिएगा, और फॉरवर्डेड मैसेज नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने से शूट किया है, अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, कोई बातचीत हो, तो आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिएगा 9431156794 पर आप शूट करके भेज सकते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं कि आज बताएंगे कि अल्पसंख्यक स्कूल के बारे में झारखंड में क्या नया आदेश आया है, और साथ में टाटा मोटर्स ने गाड़ी की दाम कितनी बढ़ाई है, इसके साथ पारा शिक्षकों का आंदोलन में क्या निकल गया है हल, इस पर भी आज बात करेंगे, और अलग अलग इलाके से आक्रोश रैली की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ में झारखंड को कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार क्यों मिला है, सारी चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि झारखंड से खबर है कि अल्पसंख्यक स्कूल में अब नए सिरे से कोई भी बहाली नहीं होगी, और खबर ये आई है कि इसे लेकर कई डिस्ट्रिक्ट में यह खबर थी कि अल्पसंख्यक स्कूल में जो बहाली हो रहा है वो बहाली नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, यानी कि जो नियम है वो नहीं माने गए हैं, या तो रिजर्वेशन को लेकर के हो या लिखित परीक्षा को लेकर के हो। इसलिए सारे शिक्षकों का पेमेंट रोक दिया गया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एक खबर है। अब 31 मार्च 2019 तक कोई भी नई बहाली नहीं होगी, ना ही किसे भी सैलरी दिया जाएगा। नई नियमावली लाई जाएगी, 60 दिन अथवा विशेष अवस्था में 90 दिनों के अंदर एक नियमावली प्रकाशित की जाएगी सरकार की ओर से। इसके लिए पत्र जारी हो गया है। प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल में जो अल्पसंख्यक विद्यालय थे उन सारे स्कूलों में अब कोई भी नई बहाली नहीं की जा रही है। ये झारखंड सरकार का सबसे ताजा आदेश है। 9 से 10 सदस्य की कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी, और जांच करने के बाद अल्पसंख्यक स्कूल में बहाली की जाएगी। सवाल ये उठ रहा है, पेचीदा भी है, कि जिनकी बहाली हो गई है उनका क्या होगा। वो वर्षों से इसी आशा में बैठे हुए थे कि उन्हें पेमेंट मिलेगा, लेकिन अब पेमेंट मिलने की कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। चलिए, पारा शिक्षक का आंदोलन पूरे प्रदेश में लगातार चल रहा है, अलग अलग इलाके में, और इसका हल निकालने की लगभग एक फार्मूला तैयार हो गया है। हम आपको बता दें कि रांची और दिल्ली से जो खबर हम तक आई है उसमें सरकार एक बीच का रास्ता अब निकालने में जुट गई है, और सरकार ने यह तय किया है कि इनकी सैलरी को बढ़ाई जाएगी। अभी जो दावा किया जा रहा था 20% वाला फार्मूला, उसे फिलहाल के लिए स्थगित किया जाएगा। दिल्ली में सांसदों ने जो वहां पर बातचीत अपनी की है कि बहुत मुश्किल हो रहा है झारखंड में, और कहीं झारखंड में सरकार की नैया डूब नहीं चाहिए। दूसरी ओर से शिक्षा विभाग ने जो अल्टीमेटम था इनका कि 16 दिसंबर से वो कार्रवाई करेंगे, उसे लेकर वो आश्वस्त है। दूसरी ओर सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है। अलग अलग इलाके से तस्वीर भी हम तक है। आपको बोकारो की ये जनाक्रोश रैली दिखा रहे हैं दिनेश्वर रविदास डुमरी गिरिडीह से, इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके पास भी कोई वीडियो होगा तो आप अपना नाम लिख करके और प्रखंड का नाम लिख करके जरूर भेजिएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इसी वक्त
जारी है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार के ऊपर पूरा दबाव इस समय में बन गया है और सरकार जल्द ही इस पर निर्णय ले लेगी। उधर झारखंड को एक कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, चावल की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। 2 करोड़ रुपया झारखंड को इसमें नगद मिल रहा है और 2 लोग जो चावल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपये दिया जाएगा। पूरे भारत में 17.07 लाख हेक्टेयर पर धान की खेती की गई और इसमें 48.48 लाख टन सिर्फ धान की इस बार फसल हुई है। उत्पादकता अगर देखा जाए तो 28.4 क्विंटल पर हेक्टेयर ये उत्पादन हुआ है। ये झारखंड में इस वर्ष अच्छे मानसून के चलते यहाँ भी धान की खेती अच्छी हुई है, इसलिए ये पुरस्कार झारखंड को मिला है। अमूमन झारखंड में धान की खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, इसके लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्य प्रथम श्रेणी में आते हैं, लेकिन मानसून अच्छे समय पर आने के कारण धान की खेती अच्छी हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भेजी गई है केंद्र के कृषि मंत्रालय के द्वारा में। और वही दूसरी ओर हम आपको बता दें कि एक तो अच्छी भी एक खबर है झारखंड के लिए, लेकिन 3 राज्यों में करारी शिकस्त हो जाने के बाद अब बीजेपी आलाकमान झारखंड में परेशानी को समझ रहा है और इसी समझने के क्रम में सारी स्थितियों का जायजा ले रहा है। यही कारण है कि 11 सांसद दिल्ली में अपनी बात को बताने के लिए गए हैं, अपनी बातों को वहां रख रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि समय झारखंड में सभी कर्मचारी आंदोलनरत है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ भी रांची में आंदोलन कर रहा था और वहां पर तो उनकी मांगे मान ली गई है, लेकिन पारा शिक्षकों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपको लेकर के सीधा चल रहे समय में पलामू हरिप्रकाश सिंह भुखराहा पलामू से उन्होंने वीडियो शेयर किया है। हरिप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों के पास कोई भी इसी प्रकार से वीडियो होता है तो आप हम तक जरूर शेयर करिएगा। कोई भी मुद्दा होना चाहिए आपके क्षेत्र का, कोई कार्यक्रम होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उसे पूरे राज्य को दिखाया जाए तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9431156794 व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो को शूट कीजिए। ध्यान रखिएगा फॉरवर्डेड मैसेज नहीं होना चाहिए, हमसे आप जुड़े तो लगा होगी कि हमारी पार्टी जो है झारखंड विकास मोर्चा जो है ईमानदारी से और बखूबी जो है पूरे जोरदार तरीके से हमेशा विधानसभा में इस सवाल को रखते आया है और आप लोगों को आश्वस्त हम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से जो है हमने पत्र भी पिछले दिन जो है लिखा है, शायद आप लोगों की जानकारी होगी और ऐसे हम आप लोगों को सुना देते हैं कि मैं क्या लिखा था सरकार को। जो आप लोगों का आंदोलन था पिछले दिन जो आपका स्थापना दिवस में, जो उसके बाद जो आंदोलन में जो है उसमें हमने डायरेक्ट पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड रांची विषय पारा शिक्षकों के साथ न्याय करने एवं उन पर किए जा रहे कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के संबंध में। महोदय उपरोक्त विषय आग्रह है कि राज्य गठन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत पारा शिक्षकों की बहाली की गई है। आज लगभग पूरे राज्य में 70,000 पारा शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाने में कार्यरत हैं। पारा शिक्षकों के सेवा के बदले जो मानदेय मिलता है निश्चित ही इतने महंगाई के दौर में अपने परिवार का भरण पोषण करना असमर्थ है। साथ ही आज 15 वर्षों से पारा शिक्षकों पर ही ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था बहाल है। 15 वर्षों तक लगातार सेवा देने के उपरांत अब इनके पास दूसरा रोजगार का आशय नहीं है, इनका पूरा जीवन अब इसी सेवा पर केंद्रित है। इनके द्वारा समय समय पर अपने मानदेय एवं सरकारीकरण के मांग हेतु आवेदन एवं आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता रहा है। तो आप लोगों का जो मांग है, मांग के समर्थन में जो है हम लोग पूरी पार्टी व्यक्तिगत रूप से तो मैं साथ में हूँ आपके साथ और हमारी पार्टी भी आपके साथ है और आप लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई में जो है जब तक आप लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे और पुरजोर तरीके से आपकी बात को जो है विधानसभा आने वाला जो सत्र है उसमें पुरजोर तरीके से जो है
हम लोग इस बात को जो है रखेंगे कि आप लोग का जो मांग है उसको पूरा किया जाए, और यह भी कोशिश करेंगे अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इस सवाल को लेकर के, पारा शिक्षकों के सवाल को लेकर के विधानसभा भी ठप करने की जरूरत पड़ेगी, हाउस को भी ठप करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी जो है हम कमी नहीं रखेंगे। तो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं, और खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिएगा। हमारे साथ आप फेसबुक में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में तो आप जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि टाटा मोटर्स ने ऐलान कर दिया है कि वो सारी गाड़ियों की कीमत 1 जनवरी 2019 से बढ़ा देगी, और ये जो बढ़ोतरी है 40,000 रुपये तक होगा। जाहिर सी चीज है कि लोगों को काफी दिक्कत भी होगी, नैनो कार से लेकर एसयूवी हेक्सा की कीमत में भारी इजाफा हो रहा है। टाटा मोटर्स ने खर्चा का हवाला देते हुए कहा है कि ये जरूरी हो गया था कि कंपटीशन में रहने के लिए जो नुकसान उसे हो रहा था उसे पूरा करने के लिए कीमत बढ़ानी जरूरी है। अब आपको हम दिखाते हैं, लातेहार से प्रकाश राम एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात किया, लेकिन पारा शिक्षकों के बारे में कहा कि उनके साथ वो खड़े हैं। वीडियो को शेयर किया है विनोद उरांव लातेहार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों के पास भी कोई वीडियो होगा तो जरूर भेजिएगा, देखिए तस्वीरें। तो खबरों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि लगातार हम
अलग अलग इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज आपको कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और हम सभी लोगों का शुक्रगुजार है कि वो इतना जल्दी हमारे चैनल को पसंदीदा चैनल बना दिया है आप लोगों ने। और इसी प्रकार से हमसे आप जुड़े रहिएगा। हमारा नंबर है 9431156794। और आप भी किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा, या अपने क्षेत्र का वीडियो शूट करके हमें भेज सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।